हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, या आइडेंटिटी जो इसकी है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना, जैसे मान लीजिए ट्रिग्नॉन या मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन मीन्स क्या होता है, ट्रिग्नॉन मीन्स ट्राइंगल, और मेट्रॉन मीन्स मीजर। ठीक, ट्रिग्नॉन मीन्स क्या होता है, ट्राइंगल, मेट्रॉन मीन्स मीजर। तो मतलब जो ट्रायंगल में हम लोग एंगल का क्या मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो एंगल को जो मेजर करते हो थ्री सिस्टम है ना। जैसे मान लीजिए आप डिग्री में मेजर करते हैं या रेडियन में मेजर करते हैं, यह एक सिस्टम होता है, ग्रेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहां फर्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम को मतलब डिग्री कहता है या सेक्सा जेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, सेक्सा जेसिमल या फिर डिग्री में, है ना, क्लियर। दूसरी बात क्या है, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम में क्या आता है, फ्रेंच सिस्टम में आपका आ जाएगा ग्रेड, जो ग्रेड में मेजर करते हैं, या फिर इस किसी को बोलते हैं ये आपका सेक्सा डेसिमल हो गया, सेंटीसीमल हो गया। ठीक है, सेंटीसीमल बोलो, ये क्या जाएगा, सेंटीसीमल हो जाएगा। ठीक, और तीसरा क्या है, सेंटीसीमल हो जाएगा ना, सेंटीसीमल हो जाएगा। और तीसरा क्या है आपका, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में क्या आता है, वही रेडियन आता है। क्लियर। ठीक, तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है, एंगल को थ्री थ्री मतलब जो है थ्री मेजरमेंट है आपका, एंगल को आप थ्री तरीके से मेजर कर सकते हैं, लाइक दिस, डिग्री में या फिर किस में, ग्रेड सिस्टम में या फिर रेडियन में। डिग्री वाले क्या बोलते हैं, सेक्सा डेसिमल। ठीक है, सेक्सा डेसिमल या इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, ये ग्रेड सिस्टम को क्या, मतलब फ्रेंच सिस्टम है ना। और सर्कुलर सिस्टम मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट होता है तो क्या होता है, हम बोलते ना कि अगर एक रेशियो में कितना, 2π। ठीक है, तो रेडियन। क्लियर, तो एंगल का मेजरमेंट समथिंग मतलब थ्री कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है कि एक रिलेशन यहाँ से बता दे रहा हूँ, इसका बाद में भी बताऊंगा कन्वर्जन। ठीक, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 2π इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ठीक है, 200 ग्रेड यहां से लिखा जाता है। क्लियर, तो ये एक रिलेशन याद रखिए, कन्वर्जन में इजी रहता है, किसी को किसी में कन्वर्ट होगा तो हम लोग उसको इजीली कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, 180 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड सिस्टम। ठीक है, बोलो ये 2π की जगह नहीं पाई होगा, क्योंकि देखो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू को क्या होगा, 200 ग्रेड होगा। ओके, बात समझ नहीं, तो मतलब ये रिलेशन याद रहेगा, किसी को किसी में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इजीली उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, बोलो, तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या, ये दो, ये ग्रीक वर्ड है, ये ट्रिग्नॉन या मेट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ट्रिग्नॉन मीन्स ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजर। ठीक, जो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल है उसे वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंगल का मेजरमेंट थ्री सिस्टम मतलब जो थ्री तरीके से कर सकते हैं, डिग्री में, सेंटीमीटर मतलब जो ग्रेड सिस्टम है, रेडियन में। ठीक, एक रिलेशन यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। अब देखिए यहाँ पे आज बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है,
बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक फॉर्मूले जो है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है कि ये प्लेन है, इसको हमने क्या किया फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। फोर पार्ट में देखिए कि 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये पूरा 180 हो गया, ये 360 हो गया। तो आज देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोऑर्डिनेट प्लेन देखो फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया बेटा थर्ड हो गया, ये क्या हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है। तो देखो अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो चलो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे, सेकंड में अगर जाना है ठीक है तो क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। या फिर एक और मेथड आपके पास क्या, ये टोटल 180 माइनस थीटा कर लो, ठीक है। अगर थर्ड में जाना है तो 180 प्लस कर लो, या फिर ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक का 270 माइनस कर लो, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको आना है तो 360 माइनस थीटा कर लो या फिर 270 प्लस थीटा कर लो। और वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद कहाँ आओगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट का मतलब 360 प्लस थीटा, ठीक है 360 प्लस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने बेसिक बेसिक पढ़ रखा हो साइन 30 साइन 60 और साइन 90 तक की वैल्यू पता होंगी, लेकिन अगर उससे हायर वैल्यू आएंगी तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अच्छे समझिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको समझने की बात है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कभी ASTC, ए मीन्स क्या होता है ऑल पॉजिटिव, जो फर्स्ट में रहेगा वो सारे का सारा क्या रहेगा पॉजिटिव। एस मतलब क्या होता है साइन, उसका रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा। टी मतलब क्या होगा बेटा टैन थीटा या फिर क्या कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। सी मतलब क्या होगा कॉस थीटा या फिर सेक थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्लियर। सेक थीटा कॉस थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या है कि हम लोग बेसिक बेसिक यहाँ पे कितने केस बन रहे हैं, दो केस में दो इसमें चार और चार दो छः प्लस आठ, एट केस बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया जैसे आपको 0 to 90 तक की वैल्यू आपने याद किया होगा, ठीक है, लर्न किया होगा। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे हमने आपसे पूछ लिया साइन 360 की वैल्यू क्या होगी, साइन 330 की वैल्यू क्या होगी, या साइन 150 की वैल्यू क्या होगी, तो उसको कन्वर्ट करके आप लोग यहाँ पे उसको बेसिक फंडामेंटल में कन्वर्ट करोगे, लेकिन किसके हेल्प से, इसके हेल्प से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से किया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव एंड थर्ड में टैन कॉस पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से बात ये होती है कि अब देखिए बेसिक बेसिक पढ़ते हैं यहाँ से कि जो 90 है 270 है, ठीक। पहले एक चीज बताते हैं, इन केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा, साइन थीटा है तो किस में चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस है तो साइन में, टैन थीटा है तो किस में चेंज होगा कॉट में, कॉट हो तो टैन में, सेक किस में चेंज होगा सेक थीटा हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में, ठीक है। एरो दोनों तरफ बना दिया यहाँ पे। अब एक एक केस पढ़ते हैं, पहले 90 to 70 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस वन ध्यान समझिएगा, केस वन यहाँ पे लिखता हूँ, केस वन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किस में आएगा, समझ में आ रहा है, सॉरी फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, देखो यहाँ पे मैंने लिखा साइन, पहले लिख लो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। बोलो भाई देखो यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आर आर पॉजिटिव तो हो गई होगा, और साइन किस में चेंज होगा कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या जाएगा बेटा साइन थीटा जाएगा, और टैन 90 माइनस थीटा क्या आएगा कॉट थीटा आएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा सेक थीटा है, कॉसेक किस में चेंज होता है सेक में, और सेक किस में चेंज होगा कॉसेक में, सेक किस में चेंज होगा कॉसेक में, और कॉट किस में चेंज होगा टैन में, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, कॉट किस में चेंज होगा टैन में, ठीक।
तो ये फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक, क्लियर है, बोलो। तो ये केस वन में क्या है, 90 माइनस थीटा समथिंग आ गया। ठीक है, अब केस टू, केस टू यहाँ पे देख लीजिए, केस टू, केस टू में क्या है बेटा, हम 90 माइनस ने लिया, पहले हम 90 वाला तो सिमेट्री वाला सीख रहे हैं, देखो 90 प्लस ले लेते हैं, क्या 90 प्लस थीटा वाला, अब 90 प्लस थीटा से चेंज होना ही होना है, तो यहाँ पे क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। क्लियर, अच्छा ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, सारी के सारे सेकंड में रहेंगे, सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है, सेकंड में ए एस, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब है साइन चेंज होगा कॉस में, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, साइन से स्टार्ट होने वाला फंक्शन पॉजिटिव, कॉसेक से स्टार्ट होने वाला फंक्शन पॉजिटिव, तो ये साइन का चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस का माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर, अच्छा यहाँ पे टेन का बेटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, सेक क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा, कॉट क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। ठीक है, साइन ए एस टी सी के अकॉर्डिंग याद रहना चाहिए, है ना। तो सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव, बट अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव। ठीक, अच्छा देखो केस थ्री, केस थ्री में देखिए यहाँ पे, केस थ्री में क्या है कि 180 90 माइनस हो गया 90 प्लस, अब देखो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सही तो थर्ड में आएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड में आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, साइन 270 माइनस थीटा या कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक सेक 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो थर्ड में आ रहा है, अब थर्ड में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, कौन पॉजिटिव होगा सर, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर, ये टेन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा, 270 पे चेंज, 270 पे चेंज, तो साइन का हो गया माइनस का कॉस थीटा हो गया, और कॉस का बेटा क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे टेन का क्या होगा, कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉस का क्या होगा, माइनस का सेक थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉट क्या हो जाएगा, माइनस कॉट का यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। ओके, कॉट तो पॉजिटिव होगा ना, टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो टेन कॉट से स्टार्ट होने वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक, अच्छा चौथा केस देखो, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, है ना, केस फोर, केस फोर, केस फोर में क्या है कि 270 माइनस हो गया 270 प्लस किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। देखो 270 प्लस में क्या आएगा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा। क्लियर, अब 270 प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट। ठीक है, तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा, ए एस टी सी के अकॉर्डिंग देखिए, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो सर कॉस पॉजिटिव हो गया और सेक पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो साइन 270 पे चेंज होगा ही होगा, तो साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, टेन का क्या होगा, माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा। क्लियर, और सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो हमने यहाँ पे बेसिक पढ़ लिया, हमने पहले चेंज वाला पढ़ा है। ठीक है, चेंज वाली लाइन के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पे 270 या 90 पे क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक, 270 या 90 पे क्या होगा बेटा, चेंज। क्लियर, तो अब देखो यहाँ से क्या है कि सिंपल सा है और ए एस टी सी माइंड में रहेगा, ये आपको एजिटिव याद होना चाहिए, इसमें कुछ समझने की बात है, हमने बता दिया 90 या
270 पे चेंज होता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन कॉट कॉट टेन, से कॉसे कॉसेक से, ठीक। साइन कन्वेंशन मतलब क्या है, एएसटीसी, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव या कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फोर केसेस और बचे हैं, उनको मैं लिखता हूँ, इसको सब कर दे रहा हूँ। इसके हेल्प से जब वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होंगी, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री होंगी, कुछ भी हो सकता है 1500 में 2000 में, तो हम लोग इसके हेल्प से ही उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर बाकी तो आपको 0 टू 90 तक की तो सारी टेबल आपको पता होगी ना। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इन केस ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री टी रेशियो नॉट चेंज, ठीक है, टी रेशियो चेंज नहीं होंगे। कैसे, अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन थीटा है बेटा तो टेन थीटा ही रहेगा, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा ही रहेगा, और सेक थीटा है तो किस में रहेगा, सेक थीटा रहेगा, कॉट थीटा है तो किस में रहेगा, कॉट थीटा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर एक छोटा सा डायग्राम बनाया, तो ए एस टी सी, ठीक, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। एस मतलब क्या, साइन थीटा और इसका रिवर्स कॉसेक थीटा, ये क्या टेन थीटा, ये क्या कॉट थीटा, ये क्या कॉस थीटा, ये क्या सेक थीटा, क्लियर। यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फोर केस हो गए, केस फाइव में क्या है, केस फाइव देखिए 180 माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा का, 180 माइनस थीटा कॉस, 180 माइनस थीटा टेन, 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉसेक, 180 माइनस थीटा sec 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक, क्लियर। तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 180 पे तो कोई चेंज होना है नहीं, मतलब अब कोई भी चेंज होने की बात नहीं है 180 पे, साइन है तो साइन रहेगा, साइन और क्या सेकेंड में आएगा, और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो ये साइन पॉजिटिव रहा, कॉस क्या आ गया बेटा नेगेटिव, टेन क्या आ गया नेगेटिव, कॉसेक क्या आ गया ये सब पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहेगा पॉजिटिव, से क्या आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे कॉट क्या आ गया नेगेटिव, क्लियर बोलो। तो ये यहाँ से सारी पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब यहाँ पे कुछ याद नहीं करना है, 180 पे नो चेंज, ठीक है, या 360 पे नो चेंज। अब ये केस फाइव हो गया, केस सिक्स क्या है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस में आएगा, सारी थर्ड में आएगा, तो थर्ड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें लिखता हूँ मैं, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, 180 प्लस थीटा आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जैसा कि टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव, तो टेन पॉजिटिव हो गया और कॉट पॉजिटिव, 180 है तो टी रेशियो चेंज होना नहीं, साइन है तो साइन रहेगा, निगेटिव हो गया सर, ये कॉस है तो कॉस रहेगा, निगेटिव हो गया, टेन है तो टेन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में पॉजिटिव होता है, कॉसेक क्या है निगेटिव होता है, कॉसेक से क्या होता है बेटा ये भी आपका निगेटिव होता है ना, कॉट क्या है ये आपका पॉजिटिव होता है। तो आपके पास छह केस कंप्लीट हुए। अच्छा देखो केस सेवन, देखो केस सेवन में क्या है भाई, 180 प्लस हो गया, 180 माइनस हो गया, 360 माइनस करते हैं, तो केस सेवन में क्या करते हैं, 360 माइनस, ठीक है, तो 360 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 360 माइनस में क्या आएगा, देखो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक हो गया कॉसेक सेक, सेक 360 माइनस का थीटा,
कॉट 360 माइनस का थीटा, क्लियर। तो अब देखो यहाँ बेटा 360 पे चेंज होना नहीं है, साइन है तो साइन रहेगा। अच्छा फोर्थ में आएगा, फोर्थ में देखो यह कितना है 360 हुआ, और 360 में से कुछ निकाल दोगे सब टैग करोगे तो फोर्थ में आएगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो ये वाला बंदा पॉजिटिव होगा और सेक वाला पॉजिटिव होगा, तो साइन नेगेटिव हो गया और कॉस यहाँ पे बेटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, टैन क्या होगा निगेटिव होगा सर, ये टैन निगेटिव हो गया, और यहाँ पे कॉसेक क्या होगा टैन निगेटिव लिखना है भाई, टैन निगेटिव हो गया कॉसेक निगेटिव, और यहाँ पे सेक तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और कॉट क्या आया ये भी निगेटिव होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ए एस टी सी अकॉर्डिंग साइन याद रहेगा, बाकी 180 360 पे नो चेंज, 98 to 70 पे चेंज, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे केस 8 लिख देते हैं, केस 8 लास्ट, ठीक है केस 8 लिख लो। अब देखो 360 प्लस थीटा, और जैसे 360 में प्लस ऐड किया है वन इक्वेशन कंप्लीट होके कहाँ गए फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा टेन 360 प्लस थीटा कॉसेक 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा कॉट 360 प्लस थीटा, ध्यान समझिएगा ये फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट वाला क्या बोलता है ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या जाएगा साइन है तो साइन रहेगा, चेंज होना है नहीं, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, और सेक है तो बेटा क्या रहेगा सेक रहेगा, और कॉट है तो कॉट रहेगा, क्लियर। बोलो तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सॉल्व में आ गया होगा, ठीक है ठीक। अब इसका देखो मैं यूजेस बताता हूँ, है ना, ये बस आपको दिमाग में दो चीज बताना है, 180 एंड 360 पे नो चेंज, ठीक 90 एंड 270 पे चेंज, और साइन कन्वेंशन कैसे ए एस टी सी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन कॉट पॉजिटिव, एंड सी मीन्स कॉस एस सेक पॉजिटिव, ठीक है क्लियर। रटना नहीं है ठीक है, कि यहाँ पे इतना हो गया कैसे याद करेंगे, समझ लेना है बस कहाँ पे चेंज हो रहा है कहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है कैसे क्या होगा, ठीक है। अब इतनी कहानी बताई तो इसका यूज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको बेसिक बेसिक याद होगा, एक बार यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ, कि जैसे साइन किसकी वैल्यू 0 degree 30 degree 45 degree ठीक है 60 degree 90 degree ठीक। अब देखो साइन में अगर हम बात करते हैं 0 0 होती है 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60√3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस थीटा देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करें तो 6 नहीं होते हैं, एक सिंगल साइन होता है, ठीक है। साइन मतलब क्या है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या है इसके अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज उसका रेशियो क्या होता है साइन होता है, तो अगर ये 90 है तो ये क्या है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ फिर अप्लाई करोगे साइन थीटा तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस का रेशियो क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा, और साइन का रिवर्स क्या है कॉसेक, कॉस का रिवर्स क्या है 1/sec, और टेन का रिवर्स क्या है 1/cot, मतलब सिंगल वन फंडामेंटल है क्या साइन, इसी से कन्वर्ट करके मतलब 5 और बनाई गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है कॉस, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 है, तो इसका कॉस 90 0, यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, और 45 सेम होता है ना, और यहाँ पे 60 1/2 ये 0 हो जाएगा। अब टेन में देखोगे टेन 0.0, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, टेन 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा कॉस 0 की वैल्यू 1 है ना, ठीक, और ये क्या आएगा 1/√3, और ये बेटा क्या आएगा 1/tan 45 1 आएगा, ये √3 आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो मैंने इतना कहानी बताई है उसका यूज, अगर हम ये आपसे कहें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 degree, तो 150 तो टेबल में है नहीं, तो 150 को चेंज करोगे। अब कोई बंदा है जैसे 150 की अगर बात कर रहा है, तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे साइन 150 डिग्री,
तो साइन 150 डिग्री का मतलब क्या हुआ, वो कहेगा सर अभी तो आपने पढ़ाया है 90 माइनस क्या कर दो, 90 प्लस 60 कर लो, 90 प्लस क्या कर लो 60 डिग्री कर लो, तो 9 प्लस 6 कितना 15 होगा। फिर प्रॉपर्टी यूज हो गई क्या, साइन 90 प्लस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, अभी तो बताया 90 प्लस मीन्स किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और टी रेशियो चेंज होता है, तो ये 90 तो भाई यहाँ पे देखो थीटा ही तो आ रहा है, क्या मतलब आएगा ये कॉस 60 डिग्री आएगा, और कॉस 60 की कितनी होती है वन अपॉन टू होता है, कितना होता है 1/2, क्लियर। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे हम 150 को 90 से नहीं चेंज करेंगे, अदर मेथड, तो साइन 150 डिग्री को लिखेंगे साइन 180 माइनस 30, बहुत सही, तो साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 पे तो चेंज होता नहीं है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या जाएगा साइन 30 आ जाएगा, क्या आएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 क्या होता है 1/2, किसी भी तरीके से आप ब्रेक करके वैल्यू कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है बोलो। तो अब 150 डिग्री की वैल्यू हमने इजीली कैलकुलेट कर ली भाई, हमको तो 0 टू 90 पता रहता है, ठीक है। अब इससे आगे भी कैलकुलेशन चाहते हैं तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से ही, रटने की जरूरत नहीं है, 90 to 70 पे चेंज, 360 एंड 180 पे नो चेंज, ठीक। तो वहाँ पे चेंज होगा, बाकी ASTC के अकॉर्डिंग आप साइन याद रखिएगा, यहाँ पे साइन की कैलकुलेशन क्या है ASTC, ठीक है बोलो बेटा। बेसिक देखो साइन होता है ना कॉस, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक, और साइन अपॉन कॉस क्या है टैन बन जाता है, फिर बाकी रिवर्स फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो और मैं क्वेश्चन देता हूँ, साइन हमने कहा कैलकुलेट करो साइन 330 डिग्री, अब देखो ब्रेकिंग का मतलब ये कि हम किसके अबाउट इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तो लाइक ये साइन 330 है तो साइन का मतलब क्या 360 माइनस 30 कर सकते हैं, क्यों 360 माइनस 30 भाई, इसको जो वैल्यू दे रखी है उसको हम ब्रेक करेंगे, जो वैल्यू नोन है हमको, जैसे 0 टू 90 में की ब्रेकिंग कैसे करें कि ये वैल्यू उसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे देखो क्या यूज हो गया साइन 360 माइनस थीटा, क्या होता है साइन 360 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन होता है देखो ASTC अकॉर्डिंग, ASTC तो 360 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, तो साइन होगा निगेटिव, तो इसका साइन 360 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो फाइनली क्या आएगा माइनस का साइन 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है टेबल से देखो जरा यहाँ पे 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, क्लियर 1/2 आ जाएगा। आप फॉर्म में आ रहा होगा जो मैंने इतने से बता रहे पढ़ा रहे थे उसका यूज कैसे करना है, टेन 225 डिग्री, ठीक। अब देखो यहाँ पे इनको बेटा अगर कैलकुलेट करना है टेन 225 डिग्री तो उसको क्या ब्रेक करोगे टेन 185 प्लस 45, आप देखो बेटा tan 180 प्लस थीटा क्या होता है 180 पे सर नो चेंज होता है, और tan 180 प्लस थीटा मतलब tan थीटा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सर ASTC के अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड में आएगा ASTC, तो थर्ड में आएगा तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होगा, तो कुल मिला के tan कितना आ गया 45, और tan 45 किलो कितनी होती है 1, ये पता है आपको, ठीक है। साइन ये कॉस लिख दो कॉस 750 डिग्री, अब देखो ये क्या है ये मोर देन 360 है, तो हम लोग ब्रेकअप क्या करेंगे 360 से करेंगे, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा 360 होगा, दूसरा क्या होगा 720 होगा, 720 में प्लस 30 ऐड करो, इसका क्या मतलब ये हुआ ये कॉस 2 × 360 और प्लस का कितना 30, तो ये 2 क्या बताता है कितने चक्कर लगाए हैं आप 1 2, फिर क्या 2 लगाने के बाद कहाँ गए फर्स्ट में, फिर 360 प्लस थीटा, ये नंबर क्या बताएगा कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, फिर 360 प्लस थीटा क्या आ जाता है फर्स्ट में, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आया तो इसका क्या मतलब होगा ऑल पॉजिटिव, तो ये क्या जाएगा कॉस 30 इज इक्वल टू कॉस 30 क्या होता है √3/2, क्लियर। तो वैल्यू कितनी लार्जर क्यों ना हो आप उसको इजिली ब्रेक कर सकते हो, ये नंबर बताता है कितना रिवॉल्यूशन हुआ है किसका 360 का, 2 रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट है, उसके बाद ऐड करने पे कहाँ पे आ जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक।
ठीक। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, उसके बेसिस पे यहाँ पे 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, और चेंज होना है नहीं, चेंज होना है नहीं, तो नहीं चेंज होगा, तो वहां पे साइन कॉस है तो कॉस में ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। ओके बेटा, अच्छा देखो अब लास्ट वन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि साइन 1410 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक करोगे, जैसे ब्रेक करने की बात आएगी तो देखो एक रिवॉल्यूशन 360 का होता है, दूसरा कितना होता है 720 का होता है, तो 720 का लगभग ये कितना है, ये 2 टाइम्स है, क्यों, बस 1440 से ये 30 डिग्री कम है, तो ये समझ में आ रहा है कि एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा, फिर चार रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है 30 डिग्री, तब यहाँ पे आएंगे फोर्थ में। 360 का 4 रिवॉल्यूशन मैंने कंप्लीट किया, तो साइन 360 का मैंने 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, 4 × 360 उसके बाद 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पे 4 360, अब 4 एक में आता है कंप्लीशन, मतलब 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट किया, कहाँ गए फोर्थ में, तो 360 में थीटा क्या होता है, 360 पे नो चेंज, बट एसटीसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, मतलब साइन नेगेटिव होगा, साइन 30 आ जाएगा, और साइन 30 की कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने क्या बताया ट्रिग्नोमेट्री दो मतलब वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रॉन, तो मेट्रॉन मीन्स मेजर, ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल, ठीक। तो अब इसका जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है, एंगल को कितने तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड सिस्टम में, है ना, तो वही जो डिग्री है वो इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं या सेंटीसीमल बोलते हैं, ठीक है, सिक्सा सीमल, और सॉरी यहाँ पे जो आपका फ्रेंच सिस्टम है वो सेंटीसीमल है या सर्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेडियन में, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये सारी प्रॉपर्टी मतलब बड़का हो गया, ठीक है, उसको अच्छे समझ के पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे चेंज हो रहा है कहाँ पे नहीं, ASTC माइंड में रखिएगा। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है, इसके आगे, क्लियर, थैंक यू।